मित्रों आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल मनी ट्री पर। आज हम एक अलर्ट वीडियो के साथ आपके साथ हैं। सबसे पहले तो आज हम निफ्टी की बात करता हूं मैं आपको और बताता हूं कि निफ्टी में एक्चुअली जो आज अप मूव है वो प्री एक्सपेक्टेड था। ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन आ चुका था और ये जो चाल आज निफ्टी की है ये ऑलरेडी हम लोगों ने बोला था कि 10,100 से 10,200 के बीच में तेज़ी आएगी। और भी जो कुछ यूट्यूब पे चैनल्स रन कर रहे हैं उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिया था, बिकॉज जो 10,200 है एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, यहाँ से एक अपसाइड की हमें गुंजाइश नज़र आती थी। और जहाँ तक का हमारा मानना है वो लगभग 10,550 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा और उसके बाद 10,850 तक मार्केट जा सकता है। बट ये बुलिशनेस का इंडिकेशन नहीं है, ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन को आप मत मानिएगा और किसी भी फ्रेश एंट्री में आप मत पड़िएगा। फिलहाल अभी अगर आपको फ्रेश पोजिशन बनानी है तो आपको समय मिलेगा, प्रॉपर समय मिलेगा। हाँ, जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं और आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग्स हैं उनमें आप कुछ क्वांटिटीज़ के साथ एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, बट फ्रेश पोजीशन के लिए अभी थोड़ा सा और आप वेट कीजिएगा, आपको बेहतर समय और भी मिलेगा स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाने का। अलर्ट वीडियो आज बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप उन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते रहिएगा और वेट कीजिएगा दोबारा से लोअर लेवल पर एंट्री लेने का। दोस्तों इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इनिशियली कि पहले हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में आपको अलर्ट वीडियोस दिए थे और जो कि आज ज़मीन में पड़े हुए हैं और बहुत सारे निवेशकों को हमारे चैनल के माध्यम से ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ या वो ट्रैप में फंसने से बच गए। सबसे पहले स्टॉक की बात करूँगा, बॉम्बे रेयॉन। दोस्तों बॉम्बे रेयॉन का वीडियो हमने पोस्ट किया था आपके साथ, जो शेयर किया था बॉम्बे रेयॉन का वीडियो, इंपॉर्टेंट अलर्ट मैसेज डोंट मिस एंड वॉच अर्जेंटली। 18 दिसंबर 2017 को हमने बॉम्बे रेयॉन का वीडियो पोस्ट किया था, आप जाके 18 दिसंबर की डेट को इंपॉर्टेंट अलर्ट मैसेज डोंट मिस वॉच अर्जेंटली, ये वीडियो आप हमारे वीडियो गैलरी से देख सकते हैं, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 222 रुपीज़ बॉम्बे रेयॉन का प्राइस था और हमने चूँकि काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ रहे थे, SMS आ रहे थे, तो हम लोगों ने इमीडिएट इफेक्ट में ये वीडियो पोस्ट किया था और सबको बोला था कि प्लीज़ डोंट गो लॉन्ग, किसी को भी इस स्टॉक को लॉन्ग नहीं करना है, अदरवाइज आप बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। और यही हुआ, आप देखेंगे अगर आप बात करें स्टॉक के लेबल्स की तो आप देखेंगे 18 दिसंबर सेम डेट है 18 दिसंबर जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था मॉर्निंग में, सेम डे में ये स्टॉक ऊपर गया, हाई टच किया इसने 231 का और जो क्लोजिंग है 207 का, उसके बाद नॉन स्टॉप ये स्टॉक गिरता ही चला गया, उसके बाद कंटिन्यू लोअर सर्किट्स में आ गया एंड फाइनली ये स्टॉक 50 रुपीज़ 50 पैसा पे ट्रेड करा। तो काफ़ी लोगों का पैसा बचा, मेहनत की कमाई, उनकी गाड़ी बच गई। सबसे पहले तो हमने ये वीडियो पोस्ट किया था, उसके अलावा हम आपको सेकेंड वीडियो की बात बताते हैं। हमने बात की थी आई वी वेंचर्स में, जिसका वीडियो हमने मई 15 को पोस्ट किया था, सभी को बोला था कि ये स्टॉक एक बड़ा ट्रैप दे सकता है, सावधान अलर्ट वीडियो हमने डाला था, शायद आपको याद भी आ जाए, मैं आपको वो वीडियो की क्लिप भी ज़रूर दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि ये वीडियो जो हमने डाला था दिस वन, आपको याद आ जाएगा इस वीडियो को देख के, बी अलर्ट करके हमने ये वीडियो डाला था और हमने बताया था कि इस स्टॉक पर किसी भी तरह से आपको लॉन्ग पोजिशन को नहीं बनाना है, ठीक है, और जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशन को बनाया था उनको निकलने की भी सलाह हमने दी थी। तो आप देखेंगे बी अलर्ट, सावधान हो जाइए, शेयर में भी भारी गिरावट आने वाली है। हालांकि जब हमने ये वीडियो बनाया था तब तकरीबन 475-478 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसके बाद भी काफ़ी ऊंचे लेवल्स पे गया, बट ट्रैप कहाँ स्टार्ट होगा नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कहाँ से गिरावट संभावित होगी और कहाँ से ट्रैपिंग में वो लोग फंस जाएंगे। ये स्टॉक 900 प्लस तक गया, हमें पता था ये कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसाएगा, इसीलिए हमने प्री अलर्ट दिया था, क्योंकि जो लोग तेज़ी को देख के स्टॉक में एंट्री लेते हैं वो हमेशा बड़ा नुकसान उठाते हैं। एंड उसके बाद से ये स्टॉक लगातार नॉन स्टॉप गिर रहा है और आज की तारीख में ये स्टॉक तकरीबन 376 के लेवल पर है, कंटिन्यू लोअर सर्किट मार रहा है, कंटिन्यू डेली लोअर सर्किट में बंद होता 5%, अभी 376 है और नेक्स्ट टारगेट जो होगा इसका वो 280 रुपीज़ का। अभी भी जो लोग आई वी वेंचर्स के अंदर घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि फिलहाल ये स्टॉक अभी भी पोजीशन बनाने के लिए उचित नहीं है
क्योंकि इस स्टॉक का जो फेयर प्राइस रहेगा वो लगभग 180 या 190 रुपीज़ के आसपास ही होगा, यानी कि अभी भी इसमें लगभग 180 200 पॉइंट की गिरावट संभावित है। ठीक है गाइज, तो अभी हमने ये अलर्ट वीडियो आपको बताया था और यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ने अपना हाई टच किया 815 का और वहाँ के बाद से स्टॉक ने किसी को निकलने का मौका भी नहीं दिया। ठीक है, सो काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रैप में फंस सकते थे, उन लोगों को भी शायद इस स्टॉक में नज़र रखने में मदद मिली होगी हमारे वीडियो से। नाउ हम बात करेंगे हैग और ग्रेफाइट इंडिया की। दोस्तों दोनों ही स्टॉक इलेक्ट्रोड्स एंड ग्रेफाइट सेगमेंट के स्टॉक हैं। पीछे काफ़ी दिनों में हमने ज़बरदस्त तेज़ी भी देखी, ज़बरदस्त कंसोलिडेशन भी देखा दोनों ही स्टॉक पे, और आज ग्रेफाइट इंडिया ने 20% का सर्किट मारा। स्टिल जो आज की जो कैंडल तैयार हुई है आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू जहाँ पर कि नो अपर शेडो नो लोअर शेडो बुलिश पैटर्न इंडिकेट करता है, यानी कि अभी कल इस स्टॉक में और तेज़ी आ सकती है। लेकिन मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि इस स्टॉक में आप हायर लेवल्स पर निकलने की कोशिश करें। तकरीबन इसका जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है 4380 अपसाइड का रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे। अगर आपको ये 4200 के आसपास स्टॉक मिलता है देन डेफिनेटली आपको टेक प्रॉफिट करके बाहर आना चाहिए, वेट करना चाहिए, स्टॉक आपको दोबारा से अच्छे लेवल्स के ऊपर मिलेगा। या फिर उसके बाद आप जब स्टॉक 4500 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तब आप स्टॉक के अंदर दोबारा से फ्रेश पोजीशन बनाइए, यानी कि लगभग 4444 आपको जब इसकी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिल जाएगी 4545 यानी 4550 लेवल के ऊपर जब इसकी क्लोजिंग मिले देन आप री एड कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कल भी एक अपर सर्किट आता है हैग के अंदर और स्टॉक 4200 के आसपास के आपको प्राइस देता है देन आप डेफिनेटली इमीडिएट प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाइए और जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक डेली और वीकली चार्ट पे भले ही आपको थोड़ा सा लगता हो अट्रैक्टिव है बट क्वार्टरली हाफ ईयरली चार्ट्स पर बहुत ही हाईली ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इसका जो हायर जोन है 4550 का जो जोन है उस लेवल तक अगर ये जर्क में जाता है या एक सर्किट इसको वहाँ तक लेके जाता है देन आप डेफिनेटली इस स्टॉक में से प्रॉफिट बुकिंग करके इसी हफ्ते में बाहर आ जाइए। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आपको पॉसिबिलिटीज हैं इस स्टॉक में, या तो कुछ रेंज बाउंड मोमेंटम मिलेगा या एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स में बात करेंगे तो क्वार्टरली चार्ट में स्टॉक बहुत ही हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। अगर MACD की बात करेंगे या RSI की बात करेंगे या फिर आप इचिमोकू क्लाउड की भी बात करेंगे, सभी स्तरों पर आप देखेंगे स्टॉक बहुत ही हाई रेंज पर जा चुका है। और अब फिलहाल मैं इस स्टॉक के अंदर किसी भी लॉन्ग पोजीशन की सलाह नहीं दूंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रेड जोन आ चुका है और यहाँ से जो ग्रीनिश जोन होता है ये जनरल इंडिकेशन देता है कि बुलिशनेस आ रही है। यहाँ पर अभी एक शॉर्ट टर्म रिकवरी है स्टॉक के अंदर बट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अभी फिलहाल नहीं है ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोड स्टॉक के अंदर। आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके हैग से बाहर आ जाइए, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। जो भी प्रॉफिट मिलता है वो आपकी जेब में आएगा, अदरवाइज आपको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं बिकॉज अपसाइड का पोटेंशियल यहाँ से 400 पॉइंट का मैक्सिमम बट डाउनसाइड पोटेंशियल तकरीबन 1200 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, यानी कि ये स्टॉक वापस 2800 या 2600 के पास भी जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कब जाएगा बट चांसेस आर मोर देयर। तो ये हमने बात की हैक के बारे में। मैं ग्रेफाइट इंडिया के बारे में हम आपसे बात करते हैं। सेम कंडीशन ग्रेफाइट इंडिया के साथ भी है, शॉर्ट टर्म रिकवरी है बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ओवरसोल्ड जोन आ चुका है तो यहाँ से एक रिकवरी की गुंजाइश जो बन रही है वो आ रही है। आज 5% का सर्किट है, 5% सर्किट इसलिए लगा बिकॉज ग्रेफाइट इंडिया जो है वो ASM की कैटेगरी में आता है और ASM की कैटेगरी से बाहर आने के बाद ही इसका जो 5% सर्किट लिमिट है वो समाप्त हुआ। ओके, ग्रेफाइट इंडिया का जो अपसाइड का टारगेट है वो हम आपको बता देते हैं, वो भी तकरीबन 1125 से लेके 1130 का, यानी कि मैक्सिमम 1100 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। नीचे के लेवल पे आप लोग 750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिएगा, ग्रेफाइट इंडिया में 750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिएगा।
अगर 750 के नीचे की क्लोजिंग आती है देन आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक फिर आपको 650 या 600 के लेवल्स भी दिखाएगा और उससे भी लोअर भी दिखा सकता है इन केस ऑफ मोर बियरिशनेस इन द मार्केट। इसमें भी क्वार्टरली अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये इस तरह की दो कैंडल्स ये ग्रीन बन रही हैं, ये बहुत ही बियरिश मोड को इंडिकेशन दे रही हैं, हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे जिस तरह मारुति 10,000 से 6,600 आ गया, बजाज फिनसर्व को देखेंगे आप 6,800 से 52 या 5,000 तक। सो बड़े बड़े स्टॉक्स में जब हाईली ओवरसोल्ड जोन आता है तो जब उसमें करेक्शन आता है तो वो भी बहुत बड़ा करेक्शन होता है। सो बी अवेयर, आपको सावधान रहना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि जब तक ये स्टॉक्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं एकदम से जब ये गिरना शुरू करेंगे सो डेली ये बहुत बड़े फॉल्स दिखा सकते हैं आपको। सावधान रखिए, जब भी आपकी एंट्री, आप अगर एंटर्ड हैं ऑलरेडी इन स्टॉक के अंदर तो आप लोग रोज़ इन पर नज़र बना के रखिए, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके रखिए और उस स्टॉप लॉस के साथ ही अपनी पोजीशन को बनाइएगा। अगर आप लोगों ने मिस किए चांसेस, अगर आप लोगों ने इग्नोर कर दिए स्टॉप लॉसेस को, तो डेफिनेटली आपको बड़े नुकसान भी हो सकते हैं या फिर जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो ख़त्म होकर लॉसेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो गाइज, ये हमने दो स्टॉक्स ग्रेफाइट इंडिया और हैक के बारे में आपको अलर्ट वीडियो दिया है। हमने जो दो प्रीवियस अलर्ट दिए थे आपको BRFL यानी कि बॉम्बे रेयन फैशन लिमिटेड और IV वेंचर, दोनों ही स्टॉक्स बुरी तरह से धराशाही हैं। ना तो IV वेंचर में आपको किसी भी तरह की पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का जो फेयर प्राइस है वो 200 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है। स्टॉक अपनी जो बुक वैल्यू है उससे करीब 11 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 83 का PE है स्टॉक का, जबकि एक्चुअल जो इंडस्ट्री PE है वो ओनली 30 या 31 का। तो यानी कि बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है IV वेंचर, BRFL, दोनों ही स्टॉक्स को आप पूरी तरह से भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। साथ ही ग्रेफाइट इंडिया और हैग में हायर लेवल्स आपको जैसे ही मिलते हैं तो आप वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाइए और उस प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए, बिकॉज मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश नहीं हुआ है। मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी एक बार जरूर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, डेली चार्ट पे अगर हम लोग निफ्टी के आते हैं तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने जो एक एक्सपेक्टेशंस रखी थी, आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी T1 की, ये ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रेक हुआ था 10,935, जो कि हमने पहले भी बताया था, एक बार 10,935 एंड देन 10,870 का लेवल ब्रेक होता है, बड़े गिरावट हमें मिलेगी जो कि स्टॉक को, जो कि निफ्टी को 10,000 तक लेके जाएगी। इवन जो निफ्टी था वो लगभग 10,200 के लेवल तक आया, यहाँ से एक दोबारा से रिवर्सल आया, बिकॉज 10,201 इसका एक सपोर्ट लेवल था, 10,201 निफ्टी का ब्रेक होता देन 10,017 का लेवल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था, फाइनल सपोर्ट था 9,950। एक बार निफ्टी ने 9,950 के नीचे वीकली क्लोजिंग दे दी, उसके बाद फ्री फॉल 9,000 लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी मैं यही कहूँगा कि निफ्टी में आप बुलिशनेस को मत समझिएगा, बिकॉज जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं वो ये नहीं कहते हैं कहीं पर भी कि बुलिशनेस है, इट इज़ ए जस्ट काइंड ऑफ यू नो डेड कैट बाउंस और स्मॉल रिवर्सल, क्योंकि काफ़ी ओवर सोल्ड जोन में आ चुका था निफ्टी, जो भी स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी थी, तो एक शॉर्ट कवरिंग आप समझ सकते हैं, जस्ट काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग है ये और कुछ नहीं है। बुलिशनेस तो तभी आएगी जब निफ्टी अगेन 11,150 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है। सो गाइस, अगर वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट में जिस तरह से देखिए इचुमोकू है, इसमें जो ग्रीन लाइन है ये नीचे की तरफ कर्व दे रही है, इंडिकेशन आ रहा है कि अभी वीकनेस अभी भी पॉसिबल है, कर्व नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। आप MACD को भी देखेंगे, ये भी MACD डाउन साइड डायरेक्शन में है, यहाँ से रेड लाइन अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रही है। RSI में कुछ अपसाइड मोमेंटम ज़रूर है, बट दैट इज़ नॉट इंडिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बुलिशनेस और बुलिश पैटर्न। अगर हम मंथली कैंडल पे आते हैं सो मंथली ट्रेंड भी अभी कुछ बहुत खास नहीं लगता है मुझे। अगर आप मंथली कैंडल की बात करेंगे तो बोथ MACD और RSI शोइंग द इंडिकेशन ऑफ द नेगेटिव जोन। यहाँ पर भी अगर हम इचुमोकू क्लाउड्स को देखेंगे तो इचुमोकू क्लाउड भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा, और यहाँ पर इस लेवल पर आकर जो कर्व है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रहा स्लोली स्लोली, और एक बार डाउनवर्ड का कर्व तैयार हो गया तो डेफिनेटली ये
आपको यहाँ से 9,9200 और इवन ब्लो 9,000 जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है आपका, वो है 8,800 लेवल्स का। आपको पैनिक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन रियलिटी को छुपा के भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कि 11,000 टूटा यानी कि 11,000 टूटा तो आपको 10,000 लेवल मिला। सेम अगर 10,000 टूटा तो आपको 9,000 का लेवल भी पॉसिबली मिल सकता है। बहुत मेजर चांसेस हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। होल ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर नेगेटिव, क्रूड वेरी हाई प्राइस, रुपी हाईली डिप्रिशिएटेड हो चुका है। हालांकि IMF ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 7.3 का इनका जो ग्रोथ रेट है वो बताया, जो कि अदर कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। लेकिन जो इनका अर्लियर इंडिया का जो अर्लियर प्रेडिक्टेड था 7.7 का ग्रोथ रेट, वो घटा के 7.3 हो चुका है। यानी कि वीकनेस तो ओवरऑल आनी ही है मार्केट में, अभी हम लोग रिवर्सल को नहीं मान सकते। तो बिहेवियर आप सावधान रहिए, फ्रेश पोजिशन लेने से बचिएगा। अगर आप लोग बहुत लंबी ट्रेड को नहीं रख सकते तो जब भी जो भी आपकी प्रॉफिट वाली कॉल्स आ रही हैं, जो भी आपकी होल्डिंग्स ऐसी है जिसमें आपको प्रॉफिट्स आ जाते हैं इस रैली के अंदर, सो आप उनमें पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए। लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर आप लोग फ्रेश एंट्री आपको लेने का दोबारा से सुनहरा अवसर जरूर मिलेगा। सो गाइस, हमने बात की अलर्ट वीडियो में, जहां पर हमने आपको अलर्ट्स दिए हैग और ग्रेफाइट इंडिया में, यू नो सेल ऑन राइज की सलाह दी हमने आपको, हायर लेवल पर आप लोग एग्जिट करके बाहर आइए। वहीं जो हमने प्रीवियस कॉल दी थी आपको बॉम्बे रेयॉन की, या फिर हमने आपको IV वेंचर्स की, दोनों ही हमने आपको दोबारा दिखाई कि जब हमने आपको कॉल दी थी वहाँ से कितना रिफ्लेक्शन आया।